बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पिछड़ा वर्ग के क्षेत्र अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर और जिला के पदाधिकारियों की बैठक की गई, जिसके संबंध में पिछड़ा वर्ग के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर बैठक की गई है। प्रधानमंत्री के विगत 8 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर संगठन द्वारा निर्देशित कार्यक्रम की योजना 1 जून से 15 जून तक पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अपने क्षेत्र और गांव-गांव में जनता के बीच जाएंगे, सरदार जी द्वारा किए गए कार्यों को बताएंगे और प्रदेश सरकार के आगे इतिहास क्या क्या है इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां बारे में बताएंगे। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य सरवन पटेल, क्षेत्रीय महामंत्री मनोज सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मुरली मनोहर चौरसिया, अभिमन्यु चौरसिया, प्रमोद गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, गजेंद्र सिंह, सचिन जायसवाल, राहुल गुप्ता, दीपक चौरसिया, संतोष राजभर, विशाल जायसवाल, दीपक चौहान, बबलू निषाद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिछड़ा वर्ग के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी ने कहा, जनता पार्टी निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ताओं पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में वो शायद उसके उपलक्ष में आज भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ी कि जो सरकार प्रचंड बहुमत से ये हम सभी को कार्यों को लेकर के डूबी है। भारतीय जनता पार्टी विचारों से चलती है और विचार अनवरत निरंतर ही समाज में चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी काम कर रही है, इसलिए विश्व स्तर का संगठन ये संभव हो सका। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे पार्टी द्वारा जो भी पिछड़ा मोर्चा को सहायता मिला है वो हम सभी लोग मिलकर के एक मनोयोग से काम को पूर्ण करें। इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय मुरली मनोहर चौरसिया जी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम के लिए अपनी बात कार्यक्रम हो रहा है, विभिन्न कार्यक्रम आए उसमें पिछड़े मोर्चे के साथ लोग हंस रहे थे कि भाजपा वाले मिस कॉल मार रहे हैं, सपा वाले मोबाइल उठा लो उनसे मिस कॉल मार दो, अभी सदस्य हो गया हंसते थे लोग। तो हम 11 करोड़ हो गए, लेकिन 11 करोड़ लोगों को डांटा भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अभी हमारी जो संख्या इस समय करीब 16 करोड़, मतलब हिंदुस्तान का हर 10वां व्यक्ति सबसे कम 9वां व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का रिकॉग्नाइज मेंबर है, जिसका आधार नंबर सबका फिक्स है, जिसका डाटा हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में पड़ा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर 1 मिनट में चाहें तो ऐसे 16 करोड़ लोगों को भारत माता की जय, वंदे मातरम या कोई भी संदेश 1 मिनट के अंदर केंद्रीय कार्यालय दिल्ली से बैठे हुए दे सकते हैं। बहुत दुनिया क्या अभियान चला था, 30 लाख अभियान लोग हंस रहे। ऐसे ऐसे अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाती रहती है जिसको लोग सोच नहीं सकते, इसीलिए हम लोग पार्टी की तो डिफरेंस और उनसे अलग पार्टी लोग हैं। हम संघर्ष करते करते आगे बढ़े और राष्ट्र के लिए आगे बढ़ रहे हैं, समाज के लिए बढ़ रहे हैं। याद करिए पहले ही कहा, पहले जब राजशाही जो होता हुआ करते थे तो जनता का राजा के प्रति बहुत लगाव नहीं होता था। जनता ये सोचती थी कोई राजा है, हमको उसको देना है, टैक्स देना है, मालगुजारी देना है, चाहे महाराणा प्रताप जी रहे और चाहे मुगलिया सल्तनत कोई आ जाए। अरे मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 5 वर्ष पिछला कार्यकाल और लगभग लगभग 3 वर्ष इसमें पूर्ण हो रहे हैं। हमारी सरकार ने अपने इस 8 वर्षों में क्या ऐतिहासिक और जनोपयोगी कार्य किया है उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी संगठन अपना एक अभियान चला रहा है जून के महीने में, जिसको हम अदर एक्टिविटीज़ बाहरी गतिविधियाँ अभियान का नाम दिए हैं। इसमें हमारे संगठन के जितने भी घटक हैं, मोर्चे, प्रकोष्ठ, मेन बॉडी, सब लग करके गाँव में जनता तक जाएंगे और हमारे सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को बताएंगे कि हमारी क्या उपलब्धियां हैं, हमने आपके लिए क्या किया, क्योंकि हम जनता के लिए काम करने वाले पार्टी के लोग हैं। पार्टी पे द डिफरेंस हमारा नारा है, इसलिए हम लोग
ये अभियान चला करके अपनी उपलब्धियों को बताएंगे और आने वाले चुनाव के लिए हमारी तैयारी का शुरुआत भी है एक तरीके से।